यहाँ पर जी प्यारे बहन भाइयों हो चुकी है जुम्मतुल मुबारक की सुबह। देखें जी ये झूले वाला आया हुआ है, ये आसमानी झूला है। यहाँ पर जी प्यारे बहन भाइयों हो चुकी है जुम्मतुल मुबारक की सुबह। तो रूटीन वाला जी मैं उठी और उठकर जी रबाब को तैयार किया। रबाब को तैयार करने के बाद जी अभी जाने ही लगी थी तो रबाब के स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि आज छुट्टी है। तो रबाब की तो ईद हो गई, तो फिर रबाब का मैंने उतारा जी यूनिफॉर्म और दोबारा से मैंने इसे सिला दिया। मैंने कहा जी मोबाइल नहीं पकड़ना तुमने, इसने जिद तो बहुत की है कि मुझे मोबाइल दे, लेकिन मैंने कहा नहीं जी आप दोबारा सो जाओ, फिर आपकी नींद नहीं पूरी होती। तो छुट्टी हो गई, अभी भी कुछ बच्चे वापस आ रहे, पहले इनको शायद पता नहीं था कि छुट्टी है, तो आज फिर छुट्टी हो गई है, तभी भी बच्चे काफ़ी वापस आ रहे। मैंने फिर अपने रूटीन बाद मैंने कहा मैंने क्या लेटना है, क्योंकि आपको पता है बाप तो नाश्ता करती नहीं है। तो फिर मैं उठी और जी बाप के पापा का किया जी सूट इस्त्री, क्योंकि जुमा था। फिर अपने नाश्ते की तरफ हो गई, आटा इधर मैंने गूंद कर रख लिया और यहाँ पर जी चाय के लिए दूध इधर रखा है और शाम के चाय के लिए दूध को उबाल करने लगी हूँ। और बच्चे जिद कर रहे हैं कि रात को मामा जी हमें बनाई थी जी मेथी, तो बच्चे कह रहे हैं कि मामा जी हमें आलू मेथी वाला पराठा चाहिए। तो अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी जी आलू मेथी वाला पराठा। और यहाँ पर जी देखे आपके आपसे बातें कर रही थी तो मेरा दूध जो है जो भाई नीचे गिर गया है। चले कोई बात नहीं है, आपने रहना जो मेरे साथ साथ, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ जी अब नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब बहन भाई ठीक होंगे अल्लाह के करम से, और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ और मेरे देखने वाले यहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे फूलों की तरह जी महकते रहे, मेरे लिए उनके लिए दुआ होती है जी। तो इसलिए दुआ के साथ ही आगे हम लोग करते हैं जी जरूर। तो जैसे सबको पता है कि आज जुम्मा है, जुम्मा और सब बहन भाई को जी मेरी तरफ से जी जुम्मा मुबारक। और मैं कर रही थी जुम्मे की नमाज अदा कर रही थी, जोहर की भी शादी पड़ी है, तो इसके साथ ही आपका अभी मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज़ पढ़ते पता ही जी लाइट चली गई, तो नमाज़ अभी रबाब पढ़ रही है, रबाब पढ़ रहे थे। फिर मैं इसको आपको ना इसकी बताती हूँ ज़रा, इसने ये लहंगा शहंगा क्यों पहना हुआ है, बड़ी मज़े की कहानी है। रबाब इधर आ ज़रा सामने, इधर आओ सामने आओ ना ज़रा आओ ना, चल इधर आओ सामने, मैं ज़रा बताऊँ कि आपने लहंगा क्यों पहना है, इधर खड़ी हो ज़रा। तो प्यारे बहन भाइयों इसने लहंगा क्यों पहना है, सुबह जब स्कूल आपको पता है मैंने बताया कि सुबह स्कूल जाने लगी, तो अभी जाने लगी थी तो इसके स्कूल से फ़ोन आ गया जी आज छुट्टी है। तो और बाप साहब और सेट हो गई और खुश भी हुई, और खुशी की एक वजह और भी थी क्योंकि आज इसकी ना हाला ने आना था, तो बाप बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन हाला ने जो जी आना कैंसिल कर दिया और खुशी दुख में बदल गई। हाँ खुशी दुख में बदल गई, एक तो गाड़ियाँ हमारे भाने से बहुत गुजर दिया जी, अब इन गौर किया करे। तो फिर रबाब साहब तो उदास हो गई और जिद करने रोना शुरू कर दी कि हाला ने नहीं आना। वैसे भी हाला इसकी आती है तो आकर फोन नहीं थोड़ी देर बैठती है और चले जाती है, लेकिन रबाब फिर भी इतना खुश होती है। तो हाला नहीं आई तो रबाब रोना शुरू कर दी, तो मैंने चुप करवाया था, कहती एक मेरा काम करे फिर मैं चुप करूँगी। मैंने कहा क्या काम करूँगी, कहती है जी मुझे लहंगा निकाल के दो तो मैं जी वो पहन कर इधर उधर घूमूंगी तो खुश हो जाऊंगी, इसलिए मैं फिर चुप कर जाऊंगी। तो फिर जी मुझे इसको जी लहंगा निकाल के देना पड़ा, अब वो खेल रही है लहंगा डाल, क्योंकि इसको मेकअप करने की बहुत ही बहुत ज़्यादा शौक है, मेकअप का भी और ड्रेसिंग अच्छे अच्छे पहनने का। मैंने प्रिंसेस वाली फ्रॉक लेनी है पिंक कलर। हाँ प्रिंसेस वाली फ्रॉक भी लेनी है जी इसने पिंक कलर की, तो बहुत ही इस वजह से जी आज रबाब ने जी लहंगा पहना है। और बताएं जरा आप और बाप कैसी लग रही है जी लहंगा पहन के, मुझे तो हंसी आ रही है ना कोई फंक्शन नहीं क्योंकि आज तो ना कोई फंक्शन है ना कोई शादी है ना सालगिरह, लेकिन बाप सबर बैठ के चलो जी जुम्मा तो है ना, फिर बाप ने जी मेरे साथ नमाज भी पढ़ी है लहंगा पहन कर जी
खुश हो जाए हमारे बाप। जी देखें जी, ये झूले वाला आया हुआ है, ये सुमानी झूला है। हाँ जी, हम सुमानी बोरा बोला करते थे, तो मैंने रुबाब को दिखाया, तो रुबाब कहती बाबा मैं देने जाऊँ। मैं क्यों कहते, हाँ अल्लाह तो बाबा मैंने तो नहीं जाना, मैंने कोई घूमना है। उसको पता है कि ये झूले वाले जो होते हैं शायद कि हमें अगवा करके ले जाते हैं। कहते जो जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनको ना ये उठा कर ले जाएगा। तो रुबाब कह, मैंने बोला जाओ ले आओ, कहते नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो ये बचपन में हम भी बहुत लिया करते थे, बड़ा मज़ा आया करता था, लेकिन जब थोड़े से बड़े होते इतना डर लगा करता था ना। हमारे नानों के मोहल्ले में ना मेला लगता था, तो उधर ये भंगूड़े लगे हुए उठे थे, झूले भंगूड़े, हम भंगूड़े बोलते थे ना इसलिए, तो झूले लगे होते थे। तो जब ऊपर ज़्यादा तो नीचे आता था, कहते हैं ला ला, इतनी ऊँची ऊँची आवाज़ से हम बोलते थे ना। ये तो छोटा सा है, जा रहा है बड़ा, कितना खतरनाक। ये देखो मैंने क्या बना दिया, पता नहीं आप क्या बनाती रहती हो। बाप ने जी लहंगा वगैरह उतार दिया, अब रिलैक्स हो गया, गर्मी लग रही थी। अच्छा दो तीन सालन हमारे घर में नहीं पड़े हुए थे, तो मैंने आज रुबाब के पापा बोलेंगे क्या बनाना है, तो मैंने कहा आज कुछ नहीं बनाना, क्योंकि जो सालन पड़े हुए आज उनको खत्म करना है। तो कहने लगे क्यों जी, मैंने कहा अगर ना खाए ना, हाँ सालन बना लिया ना, तो फिर जी वो सालन ऐसे पड़े रहेंगे और ज़ाया होंगे, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने बना तो लिए, फिर भी बच्चों ने जी बड़े नखरे किए, कुछ ने अंडे मंगवा कर खा लिए, तो कुछ मैंने ही खाना है, तो जा रुबाब के पापा ने, और रुबाब ने भी खा लिया जी मेरे साथ। तो ज़ाहिर बात है सालन को ज़ाया तो नहीं ना करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर आज सालन नहीं था बना। मुझे तो बहुत ही मजा आया कल वाले साल का, बच्चे को पता नहीं क्यों नखरे आते हैं। रुबाब के बाबा अभी तक नहीं आए, क्योंकि जब जुमा पढ़ के आए तो पूछा कि क्या बनाने, तो हमने बोला कि कुछ नहीं सालन आया, तो फिर उसके बाद ही वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही चले गए, तो अभी तक नहीं भी आए। हाँ भाजी, अभी मैं बना रही थी दी चाय, क्योंकि मेरे बाप के पापा आ गए थे, तो उन्होंने भी खाना खा लिया, तो अभी रात की चाय बनाने लगी, क्योंकि हम मुझे चाय के बगैर नींद नहीं आती। वो तो है उनको दे ना दे, वो जी उनको कोई तलब नहीं होती, लेकिन मुझे तलब होती है, तो फिर मैं अकेले नहीं पीती, जब वो आते हैं तो फिर तब पीते, तो मेरे साथ वो भी पी लेते हैं थोड़ी। तो चलो जी फिर सही है जी, आज कल लोग करते हैं यही पे हद, उम्मीद करते हैं कि मेरा आज कल लोग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करते, जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब करते, जल्दी जल्दी किया करें और ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट रूटीन में जी, अल्लाह हाफिज़।